ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानेंगे सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन अगर इन उपायों को किया जाए, जो कि छोटा सा उपाय है, आप कपूर जो कि जलाते हैं, इससे अगर कुछ उपायों को करते हैं जिससे कि घर में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा जो कि समाप्त हो जाती है, जीवन खुशहाल रहता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन का महीना जो कि भगवान शिव के लिए बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, इस महीने में भगवान शिव का पूजन अर्चन करना, इनकी आराधना करना जो कि अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। इस महीने में शिव भक्त में लीन रहते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के अलावा कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों में से एक उपाय कपूर का उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। कपूर के इस उपाय को सावन माह में सोमवार के दिन आजमाने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन सुखमय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्रों और धार्मिक नजरियों से कपूर एक ऐसी पूजा की सामग्री है जिसके कई लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से घर में कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा फौरन दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कपूर के इस्तेमाल से सावन महीने में किस तरह से भगवान शिव जी को प्रसन्न किए जा सकते हैं और इसके कुछ ज्योतिषी उपाय जो कि इस प्रकार से बतलाए गए हैं। सावन में आरती में कपूर का प्रयोग। सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे में सावन माह में पड़ने वाले सभी सोमवार व्रत प्रदोष और सावन शिवरात्रि व्रत के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करे तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। सावन में मुख्य द्वार पर कपूर के उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखते हैं, इस प्रकार करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है क्योंकि सावन में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सावन में कपूर और चावल का उपयोग जो कि हिंदू धर्म में कपूर और चावल को बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में कपूर और अक्षत का प्रयोग करते हुए शिव जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सावन में एक मुट्ठी अक्षत ले और कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसे मिला दे। जीवन में धन लाभ की इच्छा और सुख समृद्धि के लिए शिव जी से प्रार्थना करते हुए अक्षत और कपूर के टुकड़े को घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ जलाकर रखते, फिर अक्षत के कुछ हिस्से को अपने पर्स या फिर घर की अलमारी में रखते। इस उपाय से आपको जल्द ही धन का लाभ होगा और शिवलिंग पर कपूर चढ़ाने से जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को कपूर चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में कपूर के टुकड़े को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़े को मिलाकर शिव जी का जलाभिषेक करें, फिर इस कपूर मिले हुए जल के कुछ हिस्से को बचाकर वापस घर लाकर इसे अपने घर के एक एक हिस्से में छिड़क दें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति जो कि हमेशा ही अच्छी बनी रहती है। सावन के महीने में कपूर के उपाय को बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसे में सावन में शिव जी को कपूर के टुकड़े को जरूर अर्पित करने चाहिए, फिर इस कपूर के टुकड़े को अपने पर्स में रख ले। सावन के महीने में कपूर के उपाय को बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव जी को कपूर के टुकड़े को जरूर अर्पित करने चाहिए, फिर इस कपूर के टुकड़े को अपने पर्स में रख ले। इस उपाय से आपको घर की परेशानियों से निजात अवश्य ही मिल जाएगा और आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा। लेकिन जब भी आप भगवान शिव जी को जो कुछ भी पूजन की सामग्रियां अर्पित करते हैं,
तू अपनी कामना कह करके और शुद्ध मन से विश्वास रखते हुए पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान को चाहे जल अर्पित करे, अक्षत अर्पित करे, बिलपत्र या जो भी पूजन की सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो इस समय आपके मन में जो कि श्रद्धा भक्ति भाव होना अति आवश्यक है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें और इन उपायों को करें। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदा बनी रहे।